नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ मंटी ओझा। अभी मैं मौजूद हूं सिवान जिले के इंग्लिश पंचायत के मैरा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत के सिसा खुर्द गांव में, जहां पर जल जीवन हरियाली के तहत सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है हर पंचायत के हर वार्ड में, उस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये जो नल जल योजना का ये जो लगाया गया यहाँ पर स्थापना यहाँ पर किया गया है, आप सभी को बता दें कि इसका डेंटिंग पेंटिंग इसका नहीं हुआ, जिसको लेकर के यह सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत ये जो पानी टंकी बैठाया गया है ये बिल्कुल बर्बाद के कगार पर है। आप सभी को बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लगातार जो जल जीवन हरियाली के तहत कभी कुआं सफैया कराया जा रहा है तो कभी पोखरा सफैया कराया जा रहा है, उसी तरीके से हर पंचायत के हर वार्ड में जल जीवन हरियाली के तहत एक पानी टंकी का हर वार्ड में शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर के गांव के लोगों को काफ़ी इससे फायदा है। और जो यहाँ के जो संचालक है जो इसको देखते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है कि जिस तरीके से बिल्कुल बर्बाद के घर पाया पानी टंकी, ये बताइए सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली के तहत जो काम कराया जा रहा है ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी यहाँ पर क्या स्थिति है पानी टंकी का? स्थिति है कि आज तक मतलब इसका डेंट पेंट नहीं किया गया और सब जंक लग रहा है। हमको आज 25 महीना से रेगुलर हम ड्यूटी कर रहे हैं, सप्लाई दोनों समय देते हैं, लेकिन आज तक एक भी रुपया रिपेयरिंग का पैसा नहीं आया, ना परमानेंट आया, तो किस तरह हम लोग काम करें यही नहीं समझ आ रहा है। रिपेयर का पैसा हम अपने पास से लगा करके जहाँ पाइप टूटता है बनवाते हैं, कुछ फॉल्ट होता है तो उसको बनवा कर आज 25 महीना से हम चला रहे हैं, लेकिन एक भी पैसा परमानेंट नहीं मिला, ना मेंटेनेंस का पैसा मिला। क्या इसका शिकायत अपना स्थानीय वीडियो या मुखिया से नहीं किया है? सबसे कहे हैं, लेकिन कहते हैं कि आएगा तो मिलेगा, सचिव भी कहते हैं कि आएगा तो मिलेगा, अभी कोई ऊपर से चिट्ठी नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरीके से पानी टंकी में जंग पकड़ रहा है, इससे क्या नुकसान हो सकता है लोगों को? नुकसान हो सकता है कि कुछ ही दिन में सड़ कर गिर जाएगा, जब गिर जाएगा जो जल जीवन हरियाली के तहत जो काम हो रहा है बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। और नहीं तो इसको ऊपर से आदेश किया जाए, इसको डेंट पेंट कराया जाए, सही से जांच किया जाए। बहुत सारी ऐसी जो पानी टंकी है जो डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है? वजह अब जिसके पास पैसा आया है, वार्ड सदस्य कराए चाहे मुखिया कराए, अब हम लोग को इसे कोई इतनी नहीं है। क्या लग रहा है आपको 25 महीने से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक भी रुपया नहीं मिला था, फिर से आप अपने परिवार के खर्चा किस तरह चलाते हैं? अब उसी तरह चला रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे, कह रहे हैं आएगा, आजकल आशा पे मर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी कोई आशा नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है इसी पंचायत किसी वार्ड का हाल है कि हर पंचायत के हर पंचायत में भी आज तक किसी अनुरक्षक का परमानेंट तो आया नहीं, कहता है जब आएगा तो देंगे। अच्छा। इसी तरह चल रहा है, लेकिन हमारा आज 25 महीने से रेगुलर पानी चल रहा है, सप्लाई दोनों टाइम देते हैं। यहाँ पर आप साफ सफाई भी कर रहे हैं? हाँ, साफ सफाई भी रखते हैं, सब मेंटेनेंस रखते हैं। क्या लग रहा है अगर यहाँ पर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो लोगों को क्या इससे नुकसान हो सकता है? आप इसको सफाइया क्यों कर रहे हैं? सफाइया कर रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण ना हो, गंदगी ना हो, और साफ सफाई रहे, पानी सप्लाई जाए बढ़िया से, यहाँ रहे दो आदमी देखने में अच्छा लगे। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, इंग्लिश पंचायत वार्ड नंबर 2 सिसवा खुर्द। इसका क्या लगता है ये पानी टंकी का? हम अनुरक्षक हैं। चलिए, जो मैरा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत के सिसा खुर्द गांव में जो पानी टंकी बैठा हुआ है, ज्ञानेंद्र जी इसके संरक्षक हैं। हालांकि इन्हीं के देख रेख में समय से पानी को चालू किया जाता है और समय से पानी को बंद किया जाता है। और यहां पर जो भी आप देख सकते हैं कि जब हम इधर से गुजर रहे थे इस रास्ते से, तो मैंने देखा कि यहाँ इस पानी की टंकी के अगल बगल जो भी कंजास है उसको ये साफ सुथरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुदारी भी यहाँ पर लिए हुए हैं। जब मैंने इनसे बातचीत किया तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली तहत की योजना के जो यह काम हो रहा है उसके द्वारा ये तो बिल्कुल संरक्षक के पद पर रहकर के अपना काम ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक से निभा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के सीएम जो सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सीएम नीतीश कुमार, उनके द्वारा इस मजदूरों का खर्चा कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जल जीवन हरियाली के तहत जब पानी टंकी का जब शुभारंभ किया गया हर पंचायत के हर वार्ड में, तो उस वक्त इन लोगों को पैसा क्यों नहीं दिया गया? और जब या जब महीना इन लोगों का जब एक माह जब पूरा हुआ तो उस वक्त सरकार के द्वारा इन लोगों को पैसा मुहैया क्यों नहीं कराया? हालांकि जब इनसे मैंने बातचीत किया तो इनको साफ तौर पर कहना है कि यह हमारा ही नहीं, यह हर पंचायत के हर वार्ड का यह हाल है। जो कि जो भी संरक्षक है, जो भी पानी टंकी के देख रेख करते हैं, उनके खाते में आज तक एक भी रुपया नहीं आया है। और आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये अपने परिवार के खर्चा वर्चा चलाते होंगे। ये तो बहुत दुखनीय बात है। लेकिन आप सबको बता दें कि जो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो लगातार जो कभी पोखरे का सफैया करवाया जा रहा है, तो कभी कुएं का सफैया करवाया जा रहा है, तो कभी पानी टंकी किसी कहीं लगवाया जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जल जीवन हरियाली के तहत ये जो सारा ये जो काम हो रहा है ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन अगर ये पानी टंकी अगर
अगर हजारों रुपए या लाखों रुपए की लागत से अगर इसको बना दिया गया है तो इसको डेंटिंग पेंटिंग क्यों नहीं कराया गया? हालांकि जो आम जनता की जो पैसा है उसके आम जनता का पैसा एक साथ सरकार जो है बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है, और जो यह पानी टंकी लगाया गया है बिल्कुल बर्बाद के कारण पर, अगर यह डेंटिंग पेंटिंग नहीं होता है तो आने वाले समय में यह बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाएगा। जो कि जो आज के समय जो लोगों को यह सुविधा मिल रही है पानी की, वो बहुत ही जल्द बंद भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो जल जीवन हरियाली के तहत जो पानी टंकी के जो संरक्षक हैं उनका पेमेंट कब तक भुगतान किया जाता है या नहीं, अभी तक खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एसएल न्यूज़ के लिए इंग्लिश पंचायत मारवा सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।